जी बताएं। फ्यूचर इंडेफिनेट। जवाब यस सर, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। यस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के साथ मैं पहली फॉर्म नहीं लगेगी सर, आई शेल टेक इन द लंच। आई शेल टेक द लंच, टेक है ना, अच्छा टेक द थर्ड फॉर्म। टेक इन थर्ड फॉर्म, आई शेल टेक द लंच। ठीक है सर, शेल आई टेक द लंच क्वेश्चन मार्क, और इसका नेगेटिव है सर, आई शेल टेक द लंच, आई शेल नॉट टेकिंग टेक द लंच, नॉट टेक द लंच, आई शेल नॉट टेक द लंच। ओके, अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर कंटिन्यूस टेंस, यस सर, कंटिन्यूस हो गया ना सर पीछे, कोई बात नहीं, बराबर तो जवाब बताएगा ना, बराबर तो जवाब। यस सर, आई शेल बी टेकिंग द लंच। Shall be I taking the lunch? Question mark. और इसका negative है sir. I shall not be taking the lunch. Negative. I shall be, yes sir. Taking the lunch. I shall be next. Future perfect tense में. Future perfect tense में sir. I shall have taken the lunch. No, taken the lunch. Third form आएगी ना. Taken the lunch. Yes sir, taken the lunch. I shall have taken the lunch. Taken the lunch. Negative. Taken the lunch. Negative sir. Shall have I taken the lunch? Shall I have taken the lunch? और उसमें negative में करें? तो negative में shall I have not taken the lunch? नहीं, I shall have not taken the lunch. Negative. I shall not have taken the lunch. आप चेंज करो अपना शुएब, आखिरी वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सर, I shall have been taking the dinner since morning. इसके बाद नेगेटिव है सर, I shall not have been taking the dinner since morning. उसके बाद इंटरोगेटिव है सर, Shall I have been taking the dinner since morning? Very good. बिल्कुल ठीक है, good. अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी आपने फर्स्ट को आ जाना है आपने एकेडमी, ठीक है ना? यस सर। टाइम भी पता है आपको, आपका क्लास 9 से 10 होगी, ठीक है ना? यस सर। तो ये है कि प्रैक्टिस करें, अभी वर्ब की जो फॉर्म का मसला बन रहा है आपके लिए, खासकर जवाब भी बड़ा मसला बन रहा है। आप एक वर्ब, ये एक जो है ना बुक मिलती है ग्रामर की ना, ठीक है, वर्ब की, वर्ब की फॉर्म की बुक मिलती है, 30-35 रुपए की होती है वो, ठीक है, दोनों आप ले लो ये बुक, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। सर, प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल हो जाती है बुक्स ये वाली। क्या कह रहे हैं? फोन में सर जो प्ले स्टोर होता है ना, उसमें से इंस्टॉल हो जाती है ये बुक। हाँ, आपके नेट से मिल जाएगा, वर्ब की फॉर्म नेट से मिल जाएगी आपको, ठीक है? यस सर, नेट से मिल जाएंगी आपको, वर्क की फॉर्म कोई इशू नहीं है, आप वहां से ले सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। जवाब आप भी ठीक है, जवाब ज्यादा मसला पेश आ रहा है ना, तो आप फिर वहां से देख के तो वर्क की फॉर्म लगा दिया करें, ठीक है? अगर वर्क की फॉर्म दोगी देख के लगा दिया करें, कौन सी जो जो से भी होगी, ठीक है, दोनों के लिए फायदा हो जाएगा। यस सर। तो वरना अगर कोई मसला होता है नेट के ऊपर, तो आपको बुक मिल जाती है फॉर्म ऑफ वर्ब्स की, ठीक है ना, स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है, तो दोनों ऑप्शन मौजूद है। सर, वोकैबुलरी नहीं करनी सर आज? क्या कह रहे हैं सर? वर्ड मीनिंग नहीं कर रहे हैं आज? हाँ, करने हैं ये इसका ना, आप मैं समय से देखे ना, अब आपका ये फायदा हुआ कि आपके पक्के हो गए, टेंस पक्के हो गए आपके, इस तरह आपके नेगेटिव सेंटेंस पक्के हो जाते हैं, आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए मैंने आज जानबूझ के आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाई है मैंने आपको, ठीक है ना, ये अच्छा हो गया ना आपके लिए? अच्छा हो गया सर। तो आपने मुझे होमवर्क करके मुझे भेजना है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, आप एक टेंस को चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, फिर इंटरोगेटिव में, इस तरह आप मुझे होमवर्क करके भेज देंगे, ओके? दोनों सर, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसका डज और डू लगता है उसमें बता दें सर एक बार। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो मामला है, अगर प्रोनाउन ही, शी और इट है, जैसे कि ही प्लेज द मैच, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, नेगेटिव हम करेंगे, ही डज नॉट प्ले द मैच, इट डज नॉट, सर ही शी इट के साथ डज नॉट लगेगा? हाँ, ही शी और के साथ प्रोनाउन के साथ हमेशा आप डज नॉट लगाएंगे। ओके सर,
और इंटरोगेटिव में हैपिंग आई हुई दे हाँ और इंटरोगेटिव यस आई हुई दे एक मिनट यस सर वो आता है सर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव से लेके हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा इंटरोगेटिव में ठीक है नॉट निकाल देंगे आप सिंपल बना देंगे देखिए यस सर ही प्लेज द मैच ही डजंट प्ले द मैच डज ही प्ले द मैच फिर प्ले के बाद से ऐसे हटा देंगे ओके वो ईएस लग गया डू के साथ इस वजह से इस तरह ओके सर शी रीड्स अ बुक वो किताब पढ़ती है शी डज नॉट रीड अ बुक वो किताब नहीं पढ़ती है क्या वो किताब पढ़ती है डज शी रीड अ बुक तो रीड के साथ ऐसे हटा देंगे ओके ओके सर और इससे इट रेन्स टुडे आज बारिश होती है ठीक है ना इट डज नॉट रेन टुडे आज बारिश नहीं होती है डज इट रेन टुडे क्या आज बारिश होती है इस तरीके से ओके और आपका जो पास डेफिनेट टेंस है सबके साथ आपने नेगेटिव में इंटरोगेटिव यानी कि नेगेटिव में डिड नॉट लगाना है तमाम प्रोनाउन के साथ ठीक है ना वहां तो मसला ही खत्म हो गया लेकिन यहां पर आपका मामला जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही शी और इट के अलावा आप सबके साथ नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट लगाएंगे ठीक है ना डू नॉट यस सर ही शी इट के साथ डू नॉट लगाते हैं और दे वो यू और आई के साथ डू नॉट लगाते हैं आप नेगेटिव सेंटेंस में इसके हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा इंटरोगेटिव में डू लगा देंगे आई ड्रिंक वाटर आई डो नॉट ड्रिंक वाटर डू आई ड्रिंक वाटर समझे मेरी बात ये भी ख्याल करना है ये मैंने आपको मैसेज लिखवाया आपको रोज में मैंने आपको ठीक है तो हम शुरू करते हैं कभी की तरफ आ जाए अब हमारे पार्ट से बड़ी क्या रहे थे हमारे यस सर नेल कहते हैं नाखन नेल नेल है नाखन नेल पाम कहते हैं हथेली हथेली है पाम 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 है हथेली और ये जो है आपका इसके बाद है लेग है टांग लेग एल ई जी टांग आर्मपिट कहते हैं आर्मपिट बगल बगल कहते हैं आर्मपिट इसके बाद है हमारा जो है एल्बो एल्बो कहते हैं कोहनी जो हाथ की जो बाजू की कोहनी होती है ये वाली ये एल्बो है एल्बो एल्बो लिख लिया सर हो गया एल्बो को स्पेलिंग सर ई एल बी ओ डब्ल्यू ई एल बी ओ डब्ल्यू एल्बो टो कहते हैं टो पांव का अंगूठा पांव का अंगूठा हील कहते हैं पांव की एड़ी पांव की एड़ी हील एच डब्ल्यू एल हील पांव की एड़ी पांव की एड़ी बोन्स कहते हैं हड्डियां बोन्स हड्डियां वेन्स कहते हैं रगें वेन्स जो हमारी रगें जिसमें खून गर्दिश करता है रगें वी ई आई एन एस ब्लड कहते हैं खून ब्लड लिख लिया सर वन सर दस हो गए रगें
10 10 हो गए हैं सर जी, यस सर, हो गए दोनों का, रगें सर उसको कोई मसला है, वे वी ई आई एन एस वेन्स रगें, ओके सर, मसल्स कहते हैं पट्ठे, मसल्स, मसल्स है पट्ठे, मसल्स, देख लिया सर, आगे खून की गर्दिश है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन कर लिया सर जी, हो गया था, यस सर, अच्छा अच्छा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मैंने किया था, ये हो गया था ना, ठीक है, यस सर, जॉइंट कहते हैं जोड़, जो जोड़ हमारे जो होते हैं इंसानी जिस्म के, जोड़ जॉइंट, जॉइंट है जोड़, शोल्डर हो गया, शोल्डर कंधा हो गया सर, हो गया था सर, शोल्डर हो गया, अच्छा ठीक है, स्टमक कहते हैं मैदा, स्टमक, जो पेट का अंदरूनी हिस्सा होता है जहां खाना खत्म होता है हमारा, वो कहते हैं मैदा, स्टमक, स्टमक, नोट में लिख रहा हूं क्लियर करने के लिए आपको, स्टमक मैदा, और हमारा जो जिगर है वो है लीवर, जो जिगर होता है हमारा लीवर, और किडनीज हमारे होते हैं गुर्दे, किडनीज हैं गुर्दे, कंप्लीट हो गया आपका 15, यस सर, किडनीज है गुर्दे, लिवर जिगर, स्टमक, स्टमक है मैदा, ज्वाइंट जोड़, मसल्स पट्ठे, हो गया सर, आप इसको देख लें अच्छी तरह, आपने मुझे इसको पढ़ने के मसला तो नहीं है कोई, कभी पढ़ने का मसला तो नहीं है सर, नो सर, प्रॉब्लम है, अरे तो बोल देता हूँ, पढ़ लेता हूँ, नो सर, कोई इशू नहीं है, नहीं है इशू सर, आप अच्छी से प्रैक्टिस करके मुझे इसको होमवर्क भेज देना, उसका भी आपने टेंसेस नेगेटिव इंटरोगेटिव बना देने इसी तरीके से, वो आप अपनी मर्जी के एग्जांपल देख के आपको मुझे बना के भेज देना, ठीक है, जितने भी बना सकते हैं आप, साथ साथ करते थे मैंने प्रैक्टिस करवाई है, पहले टेंस है फिर नेगेटिव सेंटेंस फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस तरह बना के मुझे होमवर्क भेज देना, वो कभी 3 टाइम करके भेज देनी मुझे आपने, शुएब आपका काम कर रहे थे अभी ना, आपने भेजना है मुझे, यस सर भेजूंगा सर, हाँ भाई भेजना आज उसको करके ना, तो कोशिश किया करें आज ही एक दिन पहले भेज दें, आज ही भेज दें आप, ठीक है, कल फिर वो क्लास से पहले ना भेजा कर, उसके मैं चेक नहीं कर सकता ना, ठीक है, आज किस टाइम सर, मैं आज भेजूंगा, आज ही भेज दें, ओके 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 सर, तो ये है कि वो साथ ही भेज दें, आप करें काम साथ ही ग्रुप में भेज दिया करें आप, तो ओके सवाल तो नहीं है, कुछ सवाल क्लास के हवाले से आज नहीं है सर, क्लियर, चलें अच्छी बात है जी, जवाब ये सर पर मुझे इंटरोगेटिव वाला समझ नहीं आया सर, क्या कह रहे हैं आप, इंटरोगेटिव का मतलब इसे समझ नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, यस सर, क्या है, इंटरोगेटिव का प्रॉब्लम है सर मुझे, वो वाले पूछे ना मेरे से, पूछे क्या मसला है सेंटेंस में, जैसे कि सर ये आपने बना के दिया है ना, सर इसमें डज लगते हैं सर पहले, डज, यस सर, वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को चेंज करेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव में डज लगाएंगे, ही प्लेज द मैच, ही डज नॉट प्ले द मैच, नेगेटिव, Does he play the match? तो S वहां से हट जाएगा ना, प्ले का S हट के वो ES लग जाएगा डू के साथ, अच्छा सर, हाँ और ठीक है सर, बाकी रिविजन इंशाल्लाह जुमे कराऊंगा ना फ्राइडे को, तो कवर हो जाएगा, ठीक है ना, तो भेज देना होमवर्क करके दोनों, आप गलतियां हुई तो अगर देख लूंगा उसको, मतलब जुमे को उसको रिवाइज भी कर लेंगे सारी चीजों को ना, ठीक है,
Okay, class is going to end now. Wish you good luck. Allah Hafiz. Get to winter.